बताने वाले हैं कि हमारे घर में क्या क्या चीजें टूट रही है अपने आप। क्या हवा जो आ रही है तो हवा से कोई चीज रुक नहीं पा रही थी। प्लास्टिक भी देखो इधर से फट गई है, फिर इधर से फट गई है, देखो वो पूरा ऐसा टूट गया है। हम लोग का गैलरी का PVC टूट के गिर गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफ्रो रसी व्लॉग में। तो बताओ मैं किस बार अपना व्लॉग बन रहा है? आज हमारा व्लॉग बन रहा है क्योंकि आज हम लोग बताने वाले हैं कि हमारे घर में क्या क्या चीजें टूट रही है अपने आप। आवाजें आ रही है, क्या क्या हो रहा है। आज आसिफ आप लोगों को सारी डिटेल बताएगा। आसिफ ने तो बताया था कि हम लोगों ने प्लास्टिक डाले हैं। अजान हो रही है, अजान हो रही। तो जैसे कि अजान हो रही थी हम लोग रुक गए थे। तो जैसे कि अभी घर में क्या क्या चीजें टूट रही है सब आसिफ बताएगा। अभी तो आप लोगों ने देखे थे कि बीच में क्या प्लास्टिक डाले थे, फिर वो प्लास्टिक फट गई, फिर अभी दूसरी वाली फिर डाले 3,000 रुपये खर्चा करके। अभी वो भी ऑफिस से फट रही है। अभी वो हाइट, घर भी हमारा इतनी हाइट पे माशाल्लाह, क्योंकि हवा जो आ रही है तो हवा से कोई चीज़ रुक नहीं पा रही थी, है ना। और अभी आसिफ बाहर का भी क्या टूट गया गैलरी के पास का, वो भी आसिफ बताएगा, क्योंकि हवा इतनी चल रही है तो हवा से कोई भी चीज उखड़ जा रही है। हाँ। हवा में तो बहुत ताकत रहती है, आप लोगों को पता है क्या क्या गिरा देती है। तो अपना तो नॉर्मल चीजें हैं। और नजर भी हो गई है थोड़ा घर के ऊपर, थोड़ा भी वही जनाब जी को बुलाती हूँ, जरा फातिया कराती हूँ मैं घर में, है ना, जनाब जी को बोलती हूँ जरा नजर बहुत हो गई, जरा दुआ करो करके। अरे एसी में से जो ऊपर एसी है ना, एसी से कुछ आवाज आ रही है। अभी नवी एसी में आवाज आने लगी। जनवरी में लिए थे नया मिक्सर, अभी 15,000 का ले लो, मिक्सर बंद पड़ गया। उसको क्या होगा, क्या चल रहा नहीं। उसको फोन किया मिक्सर वाले को, नंबर कार्ड किधर है? हां कार्ड इधर है उसका भी, वो भी निकाल के दो। फिलिप्स का लिए, इतना भारी वाला मिक्सर, वो भी बंद पड़ गया। हां वो भी बंद पड़ा है। ये नवी एसी लिए 2-3 महीना, ये वाला एसी लेके, ये एसी में भी आवाज आ रही है बहुत, रात को एकदम जोर जोर से आवाज आती है। तो वो भी अभी देखने का क्या करने का करके सारी चीजें। और आज रेसिपी में बनाने वाली हूँ मैं पराठे और ये सीख पराठा बनाने वाली हूँ। उसी के साथ में मैं बनाने वाली हूँ मस्त दही वाली चटनी, हरी हरी चटनी बनाऊंगी। वो इसी चटनी दही वाली ना, दही वाली बनाऊं, दही वाली हरी चटनी बताओ, वो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है सबके साथ। सीख के साथ में क्या, वो जो सीख वाले लोग जो चटनी बेचते हो वैसे ही बनाओ, पतली रहती है लेकिन। और तो पानी कर देते। हाँ। वैसे नहीं बनाते, वैसे मत। हाँ। बस अभी बैठी हूँ मैं, नहाई धोई बस अभी आराम से बैठे हैं। और अशरफ भाई का पहला दिन था, और अशरफ का पहला दिन था कॉलेज का, आज गया कॉलेज, जाके आया अशरफ ने। तो अशरफ का कॉलेज का आज पहला दिन था, अभी कॉलेज से आया है, 12 बजे गया था, और अभी कितने बजे, 5:30 बजे आया है। कुछ खाया नहीं था, ऐसे चला गया था, मैं भी सोई थी तो मैं उठ के उसको कुछ दे नहीं पाई। अभी इंशाल्लाह कल से उठूंगी जल्दी, क्योंकि कल से मैं भी कुछ खाने लगूंगी तो उन लोगों को बना के देना रहेगा और मेरे को भी बनाना रहेगा। तो मैं सोची कि कल उठ के अपना फटाफट से अपना भी रूटीन चालू कर देती हूँ। तो अभी आज आप लोगों को देखते रहना कि मैं कैसा सीख पराठा बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल इजी तरीके से घर के सामान से बनने वाला है। इसकी रेसिपी आपको मेरे अफसोस किचन पे देखने मिलेगी, और ऐसी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अंजुम थोड़ा हेल्प कर रही है, फातिमा भी हेल्प कर रही है, जैसे कि पुदीना को जमीन साफ करने के लिए। मैं बोली थोड़ा साफ करके दे दूँ मेरे को, फिर मैं अपना ऊपर किचन में चली जाती हूँ, है ना। और इसका ब्लॉग अपलोड हुआ शॉर्ट, हाँ अनम का हो गया, किसके ऊपर शॉर्ट पे यूट्यूब पे अनम शेख। अच्छा, तो एक अनम शेख करके एक यूट्यूब चैनल है, तो गाइस आप लोग उसको फॉलो कर लेना। उसके ऊपर आपको अनम के, अक्षा के मिनी ब्लॉग देखने मिलेंगे। बच्चे लोगों को सपोर्ट करो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, है ना। हाँ। तो इन लोगों का फर्स्ट ब्लॉग अपलोड होने वाला है, तो आप लोग जाइए बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलेगा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं किचन में, यहाँ पे अभी हम लोग का टाइम हो गया शूट करने का। और यहाँ पे मम्मी देखो ऐसा सब सामान निकाल के रख देते पहले। एक बार मम्मी अपन ना बिहाइंड द शूट भी अपन ना जो होता है ना, हाँ। अपने साथ वो भी अपन ऐसा दिखाने का, तुम कैसा सामान निकालते, कैसा करते, अफरोज किचन का बिहाइंड द शूट, मतलब कैसा मम्मी पहला जिस दिन शूट रहता है उस दिन मम्मी कैसा करते, बर्तन के मावशी धो के आते तो कैसा लगाते, फिर वो कैसा निकालते, सब चीज किचन कैसा साफ करते, मावशी साफ करने के बाद, मावशी साफ करने के बाद भी मम्मी एक हाथ किचन पे मारते ही है, ऐसा नहीं कि मावशी साफ करके चले गए तो फिर वैसे ही रहेगा, नहीं, मम्मी एक हाथ वापस मारते शूट करने के पहला। अभी ये सब निकालने में भी थोड़ा बहुत गंदा होता है, तो मम्मी जैसा जैसा गंदा होता है तो ऐसे मम्मी पोछते भी रहते, ऐसा होता कुछ धोने का रहता है, करने का होता पानी गिरता, सबसे मम्मी करते रहते। एक बार हम लोग ना आप लोगों को ना जरूर दिखाएगा, आप लोग कमेंट में बोला आपको बिहाइंड द शूट देखना है क्या अफरोज किचन का,
कैसा रेसिपी शूट होता है करके। देखो सब बर्तन वैसे ही लगाए, उधर ही रखा है अभी। मैं बोली बाद में बर्तन को लगा दूंगी, पहले अपना मसाला मिला के मैं कबाबों में रख देती हूँ, क्योंकि उसको मैरिनेट होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। और यहाँ पे मैं भी 2 दिन से जिम जाना स्टार्ट किया हूँ, एकदम प्रॉपर जा रहे थे। मैं डाइट कर रहा है कि नहीं बराबर, जब मैं दिल पे लेता तो बराबर करता हूँ, एकदम सब चीज एकदम प्रॉपर हो रही है। अशरफ का भी आज पहला दिन था, अशरफ आएगा ऊपर, अशरफ थोड़ा मेरे को आराम करने दो, बस थोड़े टाइम के बाद ऊपर आता हूँ करके। तो अशरफ को आने दो, अशरफ को पूछेगा तेरा आज पहला दिन कैसा था कॉलेज का, है ना। चलो चालू करते शूट। ये क्या चाय रखेगा हमको डैडी को? हाँ ठीक है, चलो अभी हमारा शूट स्टार्ट होएगा, तो आप लोग को मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो चले गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमारे पराठे का आटा मलकर हो चुका है, हमारी चटनी बन चुकी है, हमारे सीख कबाब का मसाला पूरा बैटर रेडी करके मैंने एक साइड में रख दी हूँ, बस अभी बनाना बाकी है। और बहुत टेस्टी यम्मी बनाती हूँ मैं, आसिफ को, अशरफ को, तुम्हारे भाई को बहुत पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता है, बराबर है ना। तो चलिए अभी मैं इसे रख देती हूँ एक साइड में, आसिफ जब तक वो बाहर का सब बता के, मैं गैलरी का बता के आता हूँ, बाहर से दिखा देता हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा ना, कैसा हमारा टूट गया है। और क्या क्या चीज टूटा है ना बाहर का, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर घर में क्या क्या चीज टूटा है ना, वो मैं घर में आके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब तक मगरिब की अजान भी हो जाएगी, तो मैं नमाज पढ़ के भी आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए वो देखो गाइस, ये हमारा घर है बाहर से, और ये देखो ये हमारा घर है, सब बाहर से ऐसा दिखता है, और इधर देखो ये ऐसा टूट गया है इधर का, ये देख रहे हैं आप लोग, वो देखो वो पूरा ऐसा टूट गया है, और इधर प्लास्टिक भी पूरी फट गई है देखो इधर से, और इसका ये आधा पार्ट उधर गैलरी में गिरा है और आधा पार्ट इधर गिरा है। ये देखो ये पीवीसी जो हम लोग ने लगाए थे ना, ये पीवीसी ये वाली देखो, ये पैसा वाली है पूरी टूट गई है, अभी ये नवी लगानी पड़ेगी बोल रहा है वो, इन लोग से हम लोग ने लगाए थे वो, देखो पूरा इधर से अभी वो, अगर वो नहीं लगाए ना तो पूरा बारिश का पानी ना इसके अंदर जाएगा ऐसा। मैं आपको बालकनी में जाके दिखाता हूँ बेडरूम के, फिर आप इधर से पहला देख लो, फिर आपको बालकनी से जाके दिखाता हूँ कितना बार टूटा है करके। और देखो इधर से हम लोग ने लगाए थे ये प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक लगा के भी कुछ मतलब नहीं हुआ है, प्लास्टिक भी देखो इधर से फट गई है, फिर इधर से फट गई है, तो पूरा फट चुकी है, देखो ये पूरा ऐसा निकल गया है। अभी मैं आपको बेडरूम के गैलरी से जाके दिखाता हूँ वो वाले गैलरी में। और इधर देखो, इधर एक और चीज़ हो गया है, ये वाली जो है ना इसका हैंडल देखो, इधर कैसा ये हैंडल है, इधर हैंडल है, उधर उसका हैंडल है वो वाला, वैसा इधर का भी देखो टूट गया है, देखो ये वाला हैंडल देखा आप लोग, ये इधर ऐसा लगता है लेकिन ये सही है, टूट गया है देखो, टूट गया ये भी पूरा ऐसा। क्या हो रहा है गाइस, क्या मालूम, लोग के घर में सब चीज़ टूट रही है, देखो ये भी ऐसा लगता है इधर ये टूट गया पूरा, देखते हैं अभी, ये भी लगाने का है, ये लगाने का है, बहुत कुछ करने का, अभी जाते घर में फिर आपको मैं गैलरी में जाके दिखाता हूँ। हमारे भाई है, ये टूट गया है, तो अभी ये जो बनाए थे हमारे शाबान भाई ने बनाए थे, देखिए हवे से ये गिर गया है, तो अभी शाबान भाई को कॉल करके बुलाया हमने, ऐसा मैंने आप नीचे से आप लोगों को दिखाया था कि टूट गया है, देखो यही पूरा सब ये सब टूट गया। शाबान भाई कब बनाएगा अभी ये तुम? ये आप जब बोलोगे भाई जब बना देंगे, वैसे तो बारिश के बाद भाई बनाएंगे तो ज़्यादा दिन टिकेगा, मेरे को भी यही लग रहा है सर, भी कोशिश करेंगे भाई अभी 2-4 दिन में ही अपन बना देंगे। अगर मालूम पड़ा बना है फिर 3 महीना भी नहीं, सितंबर अक्टूबर में वापस गिर गया तो फिर हवा के वजह से गिरा है। अरे इधर कितनी हवा चलती है इधर ऊपर टेरिस पे, हाँ बहुत हवा आती है इधर, वो प्लास्टिक भी फट गया हमारा, वो लगाए थे ना वो इतना मजबूत जाड़ा प्लास्टिक, 3,000 का प्लास्टिक लाए वो फट गया, पहले 3,000 खर्चा किया अभी 3,000, फिर वो अभी 3,000 ये खर्चा किया, अभी ये भी फट गया, जो ग्रिल लगाते हैं उन लोग को बुलाओ, उन लोग को बरोबर एक्सपीरियंस रहता है, ऊपर बांध के फिर लटकते एकदम बैग लेके और एकदम खिल्ला मारते हुए पूरा चले जाएंगे, उन लोग से करवाओ, नहीं तो वो दूसरे से करवाओगे उन लोग को इतना। तो चले गए यहाँ पे, अभी मम्मी आ गए खाना बनाने के लिए, जैसा कि वो पीओपी वाला आया था उसने शेर डाला, वो बोल रहा है कि कब लगाने गए, अभी लगाने गए क्या, बोला बारिश के बाद भी लगाएगा तो भी चलेगा, बारिश के बाद ही लगा, मैं बोल रही हूं बस, अपने घर में काम करने का नहीं, गर्मी के नियम के पहले लगा दे।
ग्यारहवीं करिए आज से पहले, और सितंबर में लगा देंगे। सितंबर तक बारिश भी कम हो जाती है थोड़ा। यहाँ पे अम्मी बना रहे हैं पराठे, अभी ये सेक रहे हैं, फिर इसको फ्राई करेंगे। इसको कैसा सेकने का कैसा फ्राई करने का आपको देखना है तो अफरोज किचन पे आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, अम्मी आसिफ मैनी मैं हेल्प कर रहा हूँ अम्मी की। अम्मी इधर ऐसा कर रहे तो मैं ऐसे ऐसा करके इसको सेक रहा हूँ, रोटी घुमा रहा हूँ ऐसा ऐसा करके। मस्त भाई देखिए मैं कैसा घुमाता हूँ रोटी। ऐसे सब आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ कितने मैंने बनाए, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये नौ, ये दस, ये ग्यारह। स्टोर करके भी रख सकते हैं। मस्त में एकदम। तो यहाँ पे देखिए सीख भुनने का चालू है, सबको दे दीजिए तीनों गैस चालू करके ऊपर करके। मैं भून रहा हूँ अभी। अशरफ है, अशरफ भाई तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन कैसा था? अच्छा था। हाँ कॉलेज का पहला दिन कैसा था? अच्छा था। मस्त एकदम। अबे जला रहा है तू बे, एक तरफ से पका रहा है। तो ये साइड से लेना, इधर से पक जाए, इधर से बस। चलेगा यहाँ पे मिल बनाते जा रहे हैं हम लोग, खाते जा रहे हैं। कैसा बने अब्बा सिर्फ पराठा? कैसा सिर्फ एक अंबर? कैसा नमक सा? अभी अंजू पापा खाए नहीं, अंजू पापा बैठे गए तो टेस्ट करके बताइए कैसा है करके। मैं तो खा रहा हूँ फिर रहा हूँ। अशरफ भाई आज कॉलेज गए थे? तो चलिए गाइस कैसा लगा आज का दिन भर का ब्लॉग आप लोगों को हमारा। और जैसे कि आज आसिफ नहीं है, आज आया है अशरफ भाई। तो अशरफ भाई आप क्या कहना चाहते हैं? तो भाई नहीं है, भाई की जगह मैं आया हूँ। भाई इधर सो रहे तो भाई इधर सो रहे तो इधर मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। मतलब अशरफ आज वीडियो एंड कर रहा है। हाँ। तो गाइस कैसा लग रहा है डेली ब्लॉग आप लोगों को हमारा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। गाइस इस तरह का अच्छा अच्छा ब्लॉग का वीडियो देखने के लिए आप लोग अफरोज रेसिपी ब्लॉग को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना हमारी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हाँ। है ना। हाँ। तो चलिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।